बोल्ड कहानी और कंटेंट की वजह से नेटफ्लिक्स की इन 5 वेब सीरीज की रिलीज पर मचा था बवाल। OTT प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद से ही वेब सीरीज और फिल्मों की कहानी में भी काफी बदलाव आने लगा है। अब ज्यादातर वेब सीरीज की कहानियां बोल्ड कंटेंट पर आधारित होती हैं। कुछ कहानी में निर्भया जैसे मुद्दे की जांच पर बात की गई है। वहीं कुछ कहानी में मेल डोमिनेंट सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए महिलाओं द्वारा किए गए संघर्ष पर रोशनी डाली गई है। आज हम आपको ऐसे ही वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके इरोटिक बोल्ड कंटेंट और कहानी की वजह से खासा विवाद हुआ था। कहानी और कंटेंट की वजह से नेटफ्लिक्स की इन 5 वेब सीरीज की रिलीज पर मचा था बवाल। सोशल मीडिया OTT प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद से ही वेब सीरीज और फिल्मों की कहानी में भी काफी बदलाव आने लगा है। सेक्रेड गेम्स फोटो। सोशल मीडिया सेक्रेड गेम्स इंडियन ओरिजिनल कहलाई जाने वाली वेब सीरीज सेकर एट द गेम्स अपने बोल्ड और इरोटिक कंटेंट के साथ साथ कहानी की वजह से भी काफी विवादों में रही थी। अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्देशित इस सीरीज में सेमी न्यूड सीन, गाली गलौज और हिंसा वाले सीन पर बवाल मचा था। बता दें कि यह सीरीज पॉलिटिकल ड्रामा है। दिल्ली क्राइम साल 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप की कहानी सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसी सेंसिटिव कहानी पर सीरीज बनाना बेहद बोल्ड स्टेप था। बता दें कि इस सीरीज के रिलीज से पहले ही काफी बवाल मचा था। इस सीरीज की रिलीज को रुकवाने के लिए कई लोगों ने कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा रिलीज के बाद दिल्ली के वसंत विहार थाने के SHO ने दावा किया था कि सीरीज में उनके किरदार को काफी आलसी और गैर जिम्मेदार दिखाया गया है। वाइल्ड वाइल्ड कंट्री यह सीरीज आध्यात्मिक गुरु रजनीश ओशो पर केंद्रित है, जिसकी वजह से यह डॉक्यूमेंट्री विवादों से घिरी रही। यहां तक ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ने इस सीरीज के खिलाफ मोर्चा तक खोल दिया था। उन्होंने दावा किया था कि जिस वक्त ओशो अमेरिका में थे, उस दौरान उनके आश्रम में घटी घटनाओं को सीरीज में गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया है। 365 Days ब्लैंका लिपिंस्का के उपन्यास पर केंद्रित पुलिस ड्रामा पर केंद्रित है। इस सीरीज के बोल्ड सीन्स की वजह से इस पर भी काफी विवाद हुआ था। एक वर्ग ने इस सीरीज की जमकर आलोचना भी की थी। इनस्टायबल नेटफ्लिक्स की कॉमेडी सीरीज इनस्टायबल को लेकर भी खूब विवाद हुआ था। कई लोगों ने आरोप लगाया था कि इस सीरीज में बॉडी शेमिंग को बढ़ावा दिया गया है और महिलाओं को गलत तरीके से दिखाया गया है। वहीं कुछ लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। बोल्ड कहानी और कंटेंट की वजह से नेटफ्लिक्स की इन 5 वेब सीरीज की रिलीज पर मचा था बवाल। फोटो